हाँ पापा, कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम, मजा आ रहा है। बाहर ऐसे बैठ के सबके साथ खाने का गैस आनंद ही अलग आता है। क्यों? हाँ। जुगाड़ सारे रखते हैं, चाहे कैंपिंग करो या मत करो। नाथ द्वारा की पावन गलियों में आपका हार्दिक स्वागत है जी। यहाँ पर आपको दिखेंगे घी और तेल के कुएं, तो कितने बड़े बड़े लोहे के किले लगा रखे देखिए गेट पर। भीड़ के साथ ही अंदर घुस जाते हैं और भीड़ के साथ ही बाहर आ जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची शिवा मूर्ति बताते हैं। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। एक बार आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हम निकले हैं भैया श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, और श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ साथ मेवाड़ का वो सारा एरिया हम कवर करने वाले हैं। चिक्की, चैरी और शिवाय को आप लोग मिस करेंगे वो मुझे पता है, लेकिन जल्दी ही इसके बाद, ये हमारी 2 दिन की ट्रिप होने वाली है, और इसके बाद जल्दी ही आप लोगों को लेके चलने वाले हैं भैया हम बहुत ही अच्छी वाली ट्रिप पर। तो चैनल पर अगर नए हो तो भैया सब्सक्राइब मार देना। आप लोगों को पता ही है हमारा, अगर आपने पहले के वीडियो देखे, हम लोग कैंपिंग वाली ट्रिप करते हैं हमारी कैंपर वैन के साथ XUV, लेकिन आज ये एज ए कैंपर वैन के हिसाब से नहीं आई है भैया, ये सिंपल अपनी लाडो XUV बन के आई है, 5 सीटर जो गाड़ी होती है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके माता रानी का नाम। बोलो श्री मनसा माता की जय। सफर स्टार्ट हुआ नहीं और हमारी लाडो ने बोला भैया भूख लग रही है, तो सबसे पहला काम है जी डीजल भरवाना, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होना। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप आएगा आगे चलकर। एक्चुअली सही बात बोलूँ तो मैं कल भराना भूल गया था, तो सबसे पहले भरवाते हैं इसमें डीजल, फिर पकड़ते हैं जी हाईवे। तो गाइस, सबसे बड़ी टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है, डीजल एक बार फुल करवा लो भैया, सबसे जरूरी चीज है। और अभी जहाँ हम चल रहे हैं उसे मेयो लिंक रोड बोलते हैं अजमेर का। ये आ गया जी हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मेयो कॉलेज, आपने कभी नाम सुना होगा। अब पिलाते हैं आपको हमारे यहाँ का दिल बहार सोडा। भैया यहाँ पर जब भी आओ ना, इस सोडे को मिस मत करना, बहुत फेमस है भैया हमारे यहाँ के। और दिखाता हूँ आपको क्या चीज है, किस लिए फेमस है। एक तितली से डर गए यार आप भी। कान नाक गला सब खुल जाएगा। कैसा, सही है? नींबू से रस निकालने की भी मशीन लगा रखी है। तो देखा दोस्तों कितना, मतलब इनका इस लेवल पर सोडा उठता है ना, इन्होंने बकायदा मशीन लगा रखी है भैया नींबू का रस वगैरह निकालने की। और कम से कम 8 से 10 जनों का स्टाफ काम करता है सोडे की दुकान पर। बीच में जो जो भी, जैसे जैसे हम जो भी करेंगे वो सब आप लोगों से शेयर करते जाएंगे, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत ही स्पेशल जगह आपको आज भगवान के दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मेन हाईवे पर, सिटी हमने पूरी ऑलमोस्ट क्रॉस कर ली है। तो हमने रूट पकड़ा है अभी भीलवाड़ा होते हुए, एक दूसरा रूट भी है हमारे इधर ब्यावर से, लेकिन अभी उस पर हमने पता किया है बहुत ज्यादा काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, हाईवे का रिपेयरिंग का इसका काम चल रहा है। तो नेविगेशन ने भी यही रास्ता बताया है, तो इस बार ये रास्ता हमारे लिए कुछ नया होने वाला है। नया वैसे नहीं, मतलब नाथ द्वारा के लिए नया रास्ता होने वाला है। तो गाइस आज का प्लान आपको क्लियर करता हूँ। अभी हम सबसे पहले आज जाने वाले हैं भगवान एकलिंग जी के मंदिर में, जो कि मेवाड़ की शान है भैया। मेवाड़ के जितने भी राजा हुआ करते थे, महाराणा प्रताप से लेके जो भी राजा थे, उनके आशीर्वाद के बिना युद्ध पे नहीं जाते थे भैया, उनकी लाइफ लाइन थी। तो सबसे पहले आपको दर्शन कराते करीब 1200 से 1300 साल पुराने एकलिंग जी के। अंदर कैमरा अलाउ होगा या नहीं होगा वो वहीं पे जाके आपको बताऊंगा। और करीब 4 घंटे का रास्ता बता रहा है हमारे यहाँ से, लेकिन बीच में हम जहाँ पर भी रुकेंगे जो भी करेंगे वो आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों अगर हाईवे की बात करें तो भाई हाईवे एकदम मक्खन है, मतलब बहुत ही शानदार रोड है। अभी तक तो 6 लेन हाईवे है, हालांकि मेरा इस वाले हाईवे पर बहुत ही कम आना होता है, कभी इंदौर ससुराल जाना होता है तब चल जाते हैं इससे, बाकी तो कभी काम पड़ता नहीं है। सबसे ज्यादा तो हमें जयपुर नेशनल हाईवे है ना, जो दिल्ली वाला जो आप देखते हो हमारे हर वीडियो में, उसी वीडियो में हम आते हैं। और बॉम्बे का भी मेरे ख्याल से यही वाला रास्ता है, उदयपुर अगर आपको जाना है तो भी यही रास्ता है, मतलब नेशनल हाईवे है ये। और ये आ गया जी हमारा आज का पहला टोल, जिसे देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि भाई रोड बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मिनिमम स्पीड लिमिट, मतलब मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 है भाई, एक्सप्रेसवे के बराबर हो गई एक तरह से। और सच बता रहा हूँ जो स्पीड मेंटेन हो रही है ना इसमें, इतना रश भी नहीं है गाइस आज तो।
तो दोस्तों अभी हो गया प्लान में कुछ बड़ा चेंज। पहले हम जा रहे थे सीधा एकलिंग जी मतलब श्रीनाथ जी टेम्पल जो है उनसे करीब 20-25 किलोमीटर आगे की साइड पड़ता है उदयपुर वाले रोड पर, लेकिन अभी हमें जस्ट नोटिफिकेशन मिला है नेविगेशन ने, थैंक्स टू नेविगेशन दीदी, कि उन्होंने बोला भैया 5:15 से 7:30 के बीच में खुलेगा, तो हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे 2:30 बजे। अब इतनी गर्मी में भैया 2.5 घंटे तो कुछ भी नहीं करना होगा, तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज एक्सप्लोर करेंगे नाथद्वारा, अपने ठाकुर जी की नगरी, मेवाड़ की पावन धरती श्रीनाथ जी। इधर देखिए जी चलते फिरते कैंपर वैन, पलंग भी है, मतलब भर रखे खटाखट, इनका अपना एंजॉयमेंट है यार, कहीं ना कहीं जा रहे होंगे ये भी यात्रा पे। भाई कसम से हाईवे जो है ना, मैं बता रहा हूँ एक्सप्रेसवे, क्या शानदार एक्सप्रेसवे की तरह बनाया है ये, शायद मेरे हिसाब से ये फ्लाईओवर वगैरह सब नए बने भाई अभी है। तो गाइस एक गड़बड़ हो चुकी है हमसे, नाथद्वारा का रास्ता पहले कट रहा था, अब ये कट इतना बड़ा है कि बीच में कोई कट ही नहीं है, पिछले 3 किलोमीटर से हम आगे चले जा रहे हैं, अब 600 मीटर आगे है ना ये जहाँ सामने फ्लाईओवर दिख रहा है ना, यहाँ से कोई दूसरा कट बताया तो घूम के वापस हमें पीछे जाना पड़ेगा, ये पंगा हो जाता है यार कभी कभार, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वो वाली बात हो गई यहाँ पर। तो गाइस फाइनली अब जाके हम ट्रैक पर आए हैं, मतलब 12-13 किलोमीटर का हमारा ये देख लो एक्स्ट्रा राउंड हो गया है, कट ही नहीं है यार कहीं पर भी कट नहीं है, तो यहाँ पर है सीधा जाएंगे तो भीलवाड़ा, और हमें यहाँ से लेना है यू टर्न करके और ये इस वाले फ्लाईओवर पर चढ़ना है, मतलब भीलवाड़ा के बाहर का बाहर ही। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं, ये पता नहीं कोई होटल बंद पड़ी थी भाई, पूरे हाईवे पर एक पेड़ नहीं है मतलब जहाँ पे गाड़ी रोक के हम खाना खा सके, खाना एक्चुअली में हम घर से ही बना के लाए थे, तो गाड़ी एकदम छाया में लगा दी है, क्योंकि अगर 10 मिनट भी गाड़ी रुक गई ना मतलब एक जगह भाई ऐसी भट्टी की तरह गर्म हो जाएगी ना। तो खाना खाते हैं, आप लोग भी हमारे साथ लंच करिए, उसके बाद चलते हैं, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है नाथद्वारा, तो आज का स्टे नाथद्वारा में ही है, मतलब हमने बताया था आपको प्लान चेंज हो गया है, तो जो भी लोकल एक्सप्लोर होगा नाथद्वारा का, खाने से लेके मंदिर, तो खैर भगवान के दर्शन करने ही है, तो चलिए सब काम बाद में, सबसे पहले करते हैं पेट पूजा। तो चलिए जी अब आपको मिलवाते हैं हमारे इन सफर के साथियों से, आपकी हमेशा शिकायत रहती है पापा क्यों नहीं दिखते हैं, तो ये हमारे पिताश्री, पहली बार ही मिल रहे हो आप तो, और ये है हमारा भतीजा डुगू, और ये इनको तो आप जानते ही हो, और ये हमारे मामा जी। तो भैया यहाँ पर खाना लग चुका है, क्या बना के लाए मम्मी? तो ये आगे जी भिंडी की सब्जी, एक अरबी की सब्जी हो गई है, आज तो मेरी बहू रानी ने डाला कुछ भी पता नहीं है मेरे। तो यहाँ पर करते हैं अब गर्मा गर्म, गर्म तो नहीं है खैर, लंच करते हैं और उसके बाद चलते हैं श्रीनाथ जी के द्वार। कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, इसको कब से भूख लग रही थी और इसने नाश्ता करा नहीं, क्योंकि आज इसकी नाश्ता पसंद का बना नहीं था घर पे, बिस्कुट खाकर आया ही है। तो चलिए जी मम्मी ने हमारी प्लेट लगा दी है और मम्मी पापा को खिलाने के बाद खाएगी, तो ये देख लीजिए फ्राई मिर्ची हो गई, अरबी की सब्जी हो गई, भिंडी की सब्जी हो गई, पराठे हो गए, और क्या चाहिए जिंदगी में, अच्छी बनेगी मेरी सब्जी, आज मेरी दोनों बहू ने मिलके बनाया है इसलिए मुझे पता नहीं, थोड़ा सा नमक कम है, जुगाड़ सारे रखते हैं, चाहे कैंपिंग करो या मत करो। तो भैया यहाँ पर दिख गई हमें एक गौ माता, ले 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 ले, हाँ ले, बस ये इनके नाम लिखा था एक पराठा। बाहर ऐसे बैठ के सबके साथ खाने का गैस आनंद ही अलग आता है, क्यों? हाँ, ये बात सही है। आज हमारे पापा बोले हम ये बात सही है, मतलब खाने है। खाने का टेस्ट ही डबल हो जाता है, सच बता रहा हूँ मैं। ऑल सेट गाइस, तो कैसा रहा मम्मी, बढ़िया हो गया ना लंच? पापा के साथ ये हमारी इस तरह की पहली ट्रिप होने वाली है, वैसे हम करते हैं पर शूट नहीं करते, इस बार पहली बार शूट ही कर रहे हैं, तो फटाफट मम्मी पैकअप वगैरह करो, और ये चेयर पापा नहीं दिखते हैं, मम्मी दिखती है, पापा नहीं दिखते, इस बार पापा ही पापा दिखेंगे आपको पूरे ट्रिप। चलो जी हाय कर दिया सबने, सब हाय लिखना भाई कमेंट में पापा जी को, सबको पढ़ाऊंगा मैं सबके कमेंट। तो गाइज यहाँ पर नेकी और पूछ पूछ हो गई है, ये देखिए जी एक और सरप्राइज, अपनी फेवरेट चीज आमपना, हमारे इधर केरी की छाछ भी बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये भी ठंडी ठंडी, एकदम इतनी ठंडी तो नहीं है लेकिन अभी गर्म होने से पहले इसे हम खत्म करने वाले हैं। लाइए जी हमें भी दीजिए, अब आराम से पी लेना दो दो गिलास, खूब सारी है, आनंद परम आनंद भैया, ऐसी गर्मी के अंदर ठंडी ठंडी केरी की छाछ, मतलब केरी आम पना मिल जाए उसका मजा ही अलग है। ऑल सेट गाइस, तो देखिए हमने बिल्कुल साफ सुथरी जगह छोड़ी है, कुछ भी कचरा नहीं रखा यहाँ पे, सारा थैली में डाल के हमारे साथ ही रख लिया, और ये देखिए अब पोजीशन चेंज हो रही है, आगे हमारे सेठ जी बैठ गए, मतलब हमारे पिताजी, मम्मी और मामा जी और डुगू पीछे बैठा है। तो चलिए अब आगे का सफर हमारा शुरू करते हैं, सीधा अब आपसे मिलते हैं नाथद्वारा, मतलब सीधा नहीं बीच का रास्ता भी दिखाएंगे आपको, ये राजस्थान के भी मजे लेने दो यार।
बाय बाय होटल आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें इतने गर्मी वाले मौसम में छाया प्रदान करने के लिए। हाँ पापा कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, आनंद। गाइस सामने देखिए व्हाइट कलर के मकान बन रखे हैं, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, कोई सोसाइटी होगी अलग से दिख रहे हैं मतलब। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो गाइस सामने देखिए पहाड़ी के पास में आपको भोलेनाथ की एक मूर्ति दिख रही होगी। दूर से आपको देखने में एकदम नॉर्मल मूर्ति लग रही होगी, लेकिन भाई वो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची शिवा मूर्ति बताते हैं। मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ा था, ऐसा क्लेम किया गया है, करीब 350 फुट, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद इसी का नंबर आता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा में एंटर होते ही आपको एक से बढ़कर एक होटल्स दिखेगी यहाँ पे। तो मेन रोड से गाइज हम घुस चुके हैं श्रीनाथ जी मतलब नाथ द्वारा की छोटी छोटी गलियों के अंदर, और इधर से ही मंदिर का रास्ता बताया नेविगेशन ने। कभी कभार नेविगेशन मरवा भी देता है, ऐसी ऐसी गलियों में गाड़ी घुसवा देता है जब भाई साहब फंस जाते हैं। हाँ जी भैया, मंदिर ही जाना है, 60 रुपए की है ना। नाथ द्वारा की पावन गलियों में आपका हार्दिक स्वागत है जी, और ऐसा लग रहा है केवल हमारे लिए खाली पड़ा है। अभी तक तो भीड़ नहीं है भाई, अंदर मेन मार्केट पे जाने के बाद अगर भीड़ लगती है तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी बिल्कुल शांत पड़ा अभी तो, एकदम ठंडा ठंडा माहौल है। कितने साल बाद आ रहे हो पापा? 20-25 साल बाद। हम तो बहुत छोटे छोटे थे तब, और शायद मुझे भी जहाँ तक याद है ना कि 15-20 साल तो मुझे भी हो गए होंगे, कुछ भी याद नहीं मुझे, मार्केट वगैरह बहुत चेंज हो गया यार उसके बाद से। तो अभी तो ये चीज़ें कल सुबह नाश्ते में ट्राई करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे फाफड़ा है, और ये क्या है, उबले हुए आलू है, चेवड़ा है, पोहा है, चेवड़ा है भैया, वो चेवड़ा है। तो गाइस फाइनली हम मेन चौराहे पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत हमें चहल पहल दिखी, और बहुत ही तेज हवा ने हमारा स्वागत किया है। बहुत तेज हवा है, ऊपर जो पर्दा लग रखे इतनी तेज हिल रहे हैं ना, ये जो किले बना रखे हाथियों के लिए बना रखे थे ताकि कोई गेट वगैरह नहीं तोड़ पाया ना। तो कितने बड़े बड़े लोहे के किले लगा रखे देखिए गेट पर। यह वही परम पवित्र स्थान है जहाँ प्रभु श्री श्रीनाथ जी का रथ पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया था। वर्तमान मंदिर सिद्ध होने तक प्रभु यहीं पर विराजते रहे। गाइस जो सबसे मेन चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, जो ठाकुर जी है ना भैया, उन्हीं के हिसाब से श्रीनाथ जी की मतलब यहाँ की नाथ द्वारा की दिनचर्या चलती है। देखिए सब दुकानें बंद है इनके आसपास की, मतलब जब उनके दर्शन के लिए खुलेगा मतलब अभी एक घंटे बाद, मतलब 6 तरह के श्रृंगार होते हैं, 6 ही इनके पट खुलते हैं 6 बार दिन में, अलग अलग आधा आधा एक एक घंटे का गैप होता है, तो उसी के हिसाब से इनकी दिनचर्या चलती है, और उसी के हिसाब से इनकी दुकानें वगैरह ये सब खुलती है। अभी बिल्कुल शांति है, मतलब बिल्कुल भीड़ होती है जब यहाँ पर लाइनें लग जाती है हर मंदिर की तरह। यहाँ पर भी ये देखिए स्टील की रेलिंग वगैरह लग रखी है, और मेन गेट शायद मेरे हिसाब से वहाँ से तो एग्जिट है पापा, उधर से एग्जिट है, मेन गेट इस साइड है। तो यहाँ पर खोल दिए जी हमने जूते, अभी आधा घंटा है मंदिर के पट खुलने में। दोस्तों ये देखिए, ये है अभी नया द्वार बना है मंदिर का, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल है। तो मंदिर में दर्शन का समय आप इसमें देख सकते हैं, देख लीजिए मंगला श्रृंगार ग्वाल राजभोग साय, और ये उत्थापन भोग आरती और शयन, मतलब लास्ट सुबह मोटा मोटा पकड़ के चलो, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको दर्शन अवेलेबल हो जाएंगे इसमें। तो गाइज मंदिर में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मोबाइल वगैरह सब ले जाना मना है, तो यहाँ से हम अपने मोबाइल जमा करा रहे हैं, लॉकर में रख रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने देंगे भैया। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों देखिए मंदिर में से बाहर निकलते यहाँ पर आपको दिखेंगे घी और तेल के कुएं। जी हाँ सही सुना आपने, यहाँ पर घी और तेल का स्टोरेज होता है कुओं के रूप में, मतलब बड़े बड़े कुएं बन रखे हैं और फुल ऑफ फुल है भैया घी और तेल से। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? तीर्थ। बड़ा सुंदर नाम है। तो यहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर फैमिली के सदस्य मिल गए, तो इन्होंने पहचान लिया था। एक सेल्फी हो जाए सबके साथ। तो अब निकलते हैं जी मंदिर के परकोटे से बाहर, और दिखाते हैं आपको अब जाके चहल पहल हुई है, और काफी लोग बाग दिख रहे हैं। अभी हमने जो दर्शन किए थे वो उत्थापन दर्शन थे 4:15 वाले। नाथ द्वारा आया और यहाँ की फेमस ठंडाई ना पिया भैया, ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो इसमें है ये बादाम है, पिस्ता हो गया, इलायची हो गई, काजू हो गया, सौंफ हो गई, और सबसे पहला भोग आप ही लगाओ माता श्री। माता जी पी के बताओ कैसा है। दो। अच्छी है।
सबसे अंत में हमारा नंबर। स्पेशल गिलास है, सबसे छोटा गिलास मुझे दिया भैया ने। तो गाइज यहाँ पे मेन चौराहे पर भैया यहाँ पर कॉर्नर पर खड़े होते हैं ब्रजवासी ठंडाई वाले, जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी है। धन्यवाद जी। और यहाँ पे मम्मी को अपने मतलब की चीज दिख गई है भैया, क्या दिख गई है? लड्डू गोपाल के लिए छोटी छोटी सी सुराही और मटकी। कितनी सुंदर लग रही है ना ये, अच्छी है, छोटी सी, अलग अलग तरह की है। क्या क्या रेट की है ये? 20 रुपए से 60 रुपए तक की, जो फैंसी है वो 60 रुपए की है और बाकी 20 रुपए की है। अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना तो देख लिए, सामने प्रसाद वितरण केंद्र भी है, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। वैसे तो काफ़ी दुकानें पर भी है, बहुत ही स्पेशल प्रसाद होता है गाइस यहाँ का। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए गाइस श्रीनाथ जी के, जय श्री कृष्णा। कैसे हुए दर्शन? आज किस्मत बढ़िया है भाई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब मुश्किल से मुश्किल 150 लोग थे और बहुत ही आराम से दर्शन करे। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, मम्मी पापा जब लास्ट टाइम आए थे ना, उन्होंने बोला भैया भीड़ के साथ ही अंदर घुस जाते हैं और भीड़ के साथ ही बाहर आ जाते हैं। अगर कोई नया आए, किसी का ध्यान नहीं रहना, मतलब वो ऐसा ही सोचेगा कि भैया कहाँ है भगवान, मन में याद करना पड़ेगा। तो चलिए जी, अभी ठंडाई हो गई, गरा तर हो गया, अब सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पे नाइट स्टे का, मतलब होटल देखते हैं कोई ठीक ठाक रेट में मिलती है, और कल का प्रोग्राम कल बताते हैं आपको। तो गाइस देखिए, साक्षात महादेव में बार बार दर्शन देते जा रहे हैं और यहाँ पर खड़ी हमारी लाडो। तो अभी बज रही है शाम के 4:30 और प्लान में वापस चेंज हो गया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई हमारा ऐसे रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता, समय को देखते हुए हम लोग हमारा प्लान चेंज करते रहते हैं, कलर चेंज करते रहते हैं एक तरह से। तो 4:30 बजे हम लोग नाथ द्वार से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, भूख अभी किसी को है नहीं क्योंकि हल्का फुल्का सब चलता जा रहा है। तो एकलिंग जी चले। तो गाइज उम्मीद है आप लोगों को मैंने दर्शन तो नहीं करा पाया, मैं क्या कोई भी नहीं करा सकता भैया, आपको खुद को ही मतलब श्रीनाथ जी के दर्शन करने आना पड़ेगा। एक छोटी सी मंदिर की मैं स्टोरी बता देता हूँ। करीब 350-400 साल पहले जब औरंगजेब ने मतलब काफी मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था भारत में आके, तब मथुरा वृंदावन से, ऐसा माना जाता है कि मथुरा वृंदावन से श्रीनाथ जी को उदयपुर होते हुए यहाँ पर विराजित किया था, और सबसे सुरक्षित राज्य मेवाड़ राज्य ही हुआ करता था। तो महाराणा प्रताप के टाइम में, मतलब उस समय जो भी राजा हुआ करते थे मेवाड़ वंश के, मेरे हिसाब से तो महाराणा प्रताप के टाइम में ही इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये स्टोरी है जी श्रीनाथ जी के। गाइस अब देखिए यार, कितनी विशाल प्रतिमा है भोलेनाथ की, बहुत ही गजब लग रही है भाई, बहुत ही गजब।